और इंशाल्लाह हर उस इकदाम का इमरान नियाजी उठाने जा रहा है जो आइन की खिलाफ वर्जी होगा, जो इंतजार का बाइस बनेगा, हम उसका डटकर गवर्नर पंजाब ने आपके लिए दो में थे हमदा साहब जो गवर्नर यहाँ पर भी पंजाब गवर्नर है जो पीटीआई का अपना जो है झंडा उठाए थे और आखिरी वक्त में ये अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं कि गवर्नर को हटा दिया है, इससे क्या होगा भाई। अति अक्सरियत जो है अल्हम्दुलिल्लाह कौमी असेंबली में और पंजाब सूबा में तमाम इत्तेहादी जो अपोजिशन के उनके पास मौजूद है, आप क्यों नहीं बड़ा दिल करते और आए ऐवान के अंदर, आज वोटिंग है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्यों ऐसे इकदाम करते हैं जिससे आप अपने आप को और एक्सपोज करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ स्पीकर साहब अगर आज कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्टरशिप के, तो वहाँ पर अपना जो है वो हाउस को कंडक्ट जो है वो डिप्टी स्पीकर करता है, ये चीज़ें सारी क्लियर हैं। तो इस तरह की अपना जो है वो इकदाम से ये कोई जमहूरियत की खिदमत नहीं कर रहे, लेकिन तमाम अपोजिशन जो इत्तेहादी जमातें हैं, चाहे वो कुछ पार्टी है, तरीन ग्रुप है, अलीम खान साहब हैं, सब इंशाल्लाह मिलकर हम आईन और कानून के मुताबिक आज अपना वोटिंग करेंगे और हर उस इकदाम का डट कर मुकाबला करेंगे। और अगर किसी को ये कोई गलत फहमी है कि धक्काशाही से कुछ कर लेगा, तो अल्लाह की फजल से हम आईन और कानून पर चलने वाले लोग हैं। हम साहब चौधरी सर्वर के लिए दरवाजे खुले हैं नून लीग के लिए, जो उन्होंने पॉजिटिव किरदार अदा किया आपके लिए, सर्वर साहब को नून लीग गवर्नर साहब जो है अगर वो आईन और कानून की पासदारी करते हैं बहुत अच्छी बात है, कदर की निगाह से देखी जाएगी। हम सब पाकिस्तानी तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इस मुल्क की खैर करे, वोटिंग हो जाए फिर मैं आपसे बात करूं। अगर असेंबलियों से इस्तीफे आ जाते हैं जी, असेंबलियों से इस्तीफे आ जाते हैं चौहान साहब, इस्तीफा एक ही आएगा इंशाल्लाह ताला, वो इमरान नियाजी का इस्तीफा आएगा। अब अपना जो है ये मगरमच्छ के आंसू बहाना चाहते हैं, चार साल आवाम को महंगाई में बेरोजगारी में पीस दिया, अब रिजाइन करना चाहते हैं। ओ भाई आवाम की आंखों में खून है, जाके जरा अपने हलकों में जाओ, आवाम की और ये अल्लाह का कानून है, ये कोई सियासत के अपना जो है वो चक्कर में नहीं फंसा है इमरान नियाजी, ये कुदरत अल्लाह की कुदरत का इंतकाम है, जो इसने आम आदमी के साथ सलूक किया है, उनका खून चूसा, उनसे झूठ बोला, उनको झांसा दिया नौजवानों को 1 करोड़ नौकरियों का, तो ये कुदरत का इंतकाम है, अल्लाह इस मुल्क की खैर।